माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, किसका बोलना था? श्री समीर उरांव, श्री समीर उरांव, श्रीमती संपतिया उइके, श्री अवीर रंजन विश्वास। सर अवीर रंजन जी 3 मिनट है। सर ऐसे तो एसटी सारे कुछ में वंचित है, दुर्भाग्य की बात है ये बिल में भी सिर्फ 1 ही घंटा दिया गया है। एनीवे सर, सर मैं ये कहना चाहता बोलूंगा कि सर ये बिल काफी वी क्वालिटी इज इनोक्यूअस इन अ सेंस कि भोक्ता कम्युनिटी एंड नो अदर कम्युनिटी को आप एसटी का लिस्ट में लाना चाहते हैं झारखंड में, इसमें हम समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, दे विल गेट मोर एडवांटेज फ्रॉम 10% दे विल बी मूविंग टू 26% स्पैन, सो सुविधाएं ज़्यादा होगी। मगर सर इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैड सेंट अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स 11 कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट, दे आर नेमली द गुरुंग, मंगर, राय, सुनवार, मुखिया, योगी, थामी, यख, बहु, क्षेत्री एंड निवार। सर हम समझते हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये वहाँ से यहाँ आता है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ट्राइबल मिनिस्ट्री की है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, मगर सर आज तक इसका कुछ नहीं बना, वो लोग आज भी वंचित ही रह गए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इस बारे में वो कुछ वो लाइट कुछ हमें बताए। और सर इसी के साथ एक ऐसा सिमिलर है सर गोवा में, वहाँ भी सर 3 कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में डाला गया, मगर सर आज तक इलेक्शन रिलेटेड कोई फैसिलिटी यानी रिजर्वेशन उन्हें मिल नहीं रहा है। मंत्री जी इसमें भी थोड़ा प्रकाश डालिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। सर द शेड्यूल ट्राइब्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट पीपल, 5 out of 10 फॉलिंग इन द लोएस्ट वेल्थ ब्रैकेट इन सोसाइटी। सर दिस एब्जेक्ट पॉवर्टी सब्जेक्ट्स देम टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मेनली लैक ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इट मेक्स देम सिटिंग डक्स टू बी ट्रैप्ड इन टू पोलिटिकल बिविल्डरमेंट ओनली टू बी मिसलेड बाई स्प्लिंटर ग्रुप्स इन टू अनसॉलिसिटेड एक्टिविटीज इन द गार्ब ऑफ माओइज्म। सर इस बारे में मैं बंगाल के एक उदाहरण उठाना चाहता हूँ। सर वी आर इन अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी शुड लर्न द गुड फ्रॉम ईच अदर। सर बंगाल के में भी एक साउथ वेस्टर्न पार्ट में जिसको हम जंगल महल कहते हैं उसमें भी ऐसा हो रहा था, तो वहाँ एक दिन अपना मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये आदिवासी लोग बंदूक उठाएंगे राष्ट्र के खिलाफ नहीं उठाएंगे, वो राष्ट्र के हित में उठाएंगे। एंड सर व्हाट शी डिड वाज उन्होंने 10,000 को पुलिस में भर्ती किया, और इससे क्या हुआ सर आज वहाँ सर योर टाइम इज ओवर सर, सर आज वहाँ बिल्कुल खत्म है। सर मैं क्या कहूँ, मैं सर एक मुझे लिबर्टी दीजिए सर, मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के विश्व कवि उनके एक 2 पंक्तियाँ बोल के मैं इसमें ख़त्म करूँगा। सर उन्होंने एक जो उनका कविता थी गीतांजलि जिसके लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला था, उसके एक कविता थी हेमूर दुर्भागा देश, एंड उसके ट्रांसलेशन भी मैं करूँगा। मैं सर मैं 2 ही मिनट लूँगा। नहीं प्लीज़ 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 बी ब्रीफ, थैंक यू, क्योंकि आज समय नहीं है, अदरवाइज टाइम होता है। दुखद घटना है सर, ओके।